गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा फ्लैक्स सीड्स का फेस मास्क बताऊंगी जो स्किन पे से डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म करेगा और स्किन पे से रिंकल्स और भी ख़त्म करेगा, एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करेगा। अलसी गाइस ना सिर्फ खाने के लिए बहुत अच्छी है और लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइज़ ये है अलसी जो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये ओमेगा थ्री से भरपूर होती है और जो स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट करता है ओमेगा थ्री, और इसमें विटामिन ई है। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक सुपर फूड कहलाता है और बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स विटामिन्स हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इसकी जेल तो स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसकी जेल किस तरह बनती है कि एक टेबल स्पून आप फ्लैक्स सीड का ले लें और उसे एक कप पानी में उबाल लें अच्छी तरीके से। तो जब 5 मिनट बाद इसे उतारेंगे और फिर स्ट्रेनर से छान लें तो ये कुछ इस तरह से जेल की सूरत में आ जाएगा। और ये जेल जो होती है ना बहुत ही मुफीद है, एक एंटी एजिंग के तौर पे काम करती है, चेहरे पे से रिंकल्स को ख़त्म करता है। ये जेल इतना मुफीद है कि इसकी अगर बेनिफिट्स मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाए। तो गाइस ये इस तरह से जेल मैंने बना ली थी, इसकी निकाल ली थी और ये स्किन पे से झुर्रियाँ झाइयों का ख़त्म करता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, फ्लेक्सिड स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, हाइड्रेट रखता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन की इलेक्सिटी को इंक्रीज करता है और एजिंग के असरात को फेस पे से ख़त्म करता है, रंग को फेयर भी करता है। तो इसके लिए जो मैं आज मास्क बना रही हूँ तमाम खसूसियात इसमें होंगी जो स्किन पे से डार्क स्पॉट भी ख़त्म करेगा और झुर्रियों का भी खात्मा करेगा। ये इस तरह से देखें लेश होती है इसकी, बहुत ही ज़्यादा सुपर है स्किन के लिए। तो ठीक है, हमने इसमें तकरीबन 2 स्पून ले लेने हैं फ्लैक्सीड जेल के, जस्ट फेस के अकॉर्डिंग में ले रही हूँ, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्पून में मैं इसमें डालूँगी विटामिन ई कैप्सूल, क्योंकि ये स्किन को यंग रखने में, ब्राइट करने में एंटीऑक्सीडेंट है ये विटामिन ई, तो बहुत ही ज़्यादा स्किन पे से फ्रेशनेस देता है और ग्लोइंग बनाता है। तो एक हम विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से इसको हम ऐड कर देंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्किन के लिए काम करता है और झुर्रियों का भी खात्मा करता है, स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। इसके अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी को, हनी भी मॉइस्चराइज रखता है स्किन को, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करता है और दाग धब्बों को भी साफ़ करता है और मॉइस्चराइज रखता है स्किन को। ये भी मैं ऐड करूँगी इसमें, 1/2 स्पून हनी का 1 स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन, ये चाय का, ठीक है हम चाय का डालेंगे, स्पून बड़ा है तो मैं इसमें चाय का तकरीबन 1 स्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसको भी मिक्स करेंगे क्योंकि हनी और ये सब मिल के बहुत ही ज़्यादा स्किन को ब्राइट वाइट करते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं, स्किन को ब्राइट करेगा। और ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन का 1 स्पून, ठीक है, बेसन भी स्किन को ब्राइट करता है और एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है, क्लिनजिंग करता है बेहतरीन स्किन की। बेसन डाल के अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल यकजा हो जाए। और बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं कि बेसन तो वैसे स्किन के लिए होता भी बहुत अच्छा और इस ये जो जेल है फेस पे टिकेगी इसकी वजह से और अपना काम करेगी, बहुत ज़बरदस्त है ये गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने मिक्स कर दिया और इस तरह से ये कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी, ये इस तरह से थिक सा बन गया है और यही हमें चाहिए था फेस पे लगाने के लिए इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं गाइस अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसको गाइस 15 मिनट हम यूँ इस तरह से लेके लगा लेंगे, पूरे फेस पे ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे भी आप इसको रख सकते हैं और फिर इसे आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आप धो लें तो ये चेहरे को ब्राइट करेगा और स्किन पे झुर्रियाँ झाइयाँ सब ख़त्म हो जाएंगी और स्किन टाइट और ब्राइट हो जाएगी। आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।